दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी कार्यालय विक्रमादित्य मार्ग पर रविवार सुबह करीब 10:30 बजे एक कार्यकर्ता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की नजर पड़ गई। पुलिस ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। आत्मदाह की कोशिश करने वाले ठाकुर आदित्य ने आरोप लगाया है कि उसका टिकट काट दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी हजरतगंज अखिलेश सिंह के मुताबिक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार सुबह पुलिस ड्यूटी दे रही थी। इसी बीच अलीगढ़ के ठाकुर आदित्य कुछ लोगों के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पास से बोतल निकालकर खुद पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस कर्मियों की नजर उन पर पड़ गई। पुलिस कर्मियों ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। उन्हें सिविल अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने उनके पास से पेट्रोल की 2 बोतलें और माचिस बरामद की है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन गर्रा ओपन कैंप में इस साल धान का भंडारण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ओपन कैंप में मजदूरों के भरोसे जीवन यापन कर रहे करीब 150 से अधिक मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धान का भंडारण न होने के कारण ये मजदूर अन्य स्थानों पर काम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर पहले से ही कार्यरत मजदूर होने के चलते गर्रा ओपन कैंप मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्रा ओपन कैंप के मुकद्दम उमाशंकर लेल्हारे ने बताया कि यहाँ के मजदूरों को साल भर मजदूरी का कार्य मिलता रहा है, लेकिन इस साल गोदाम में भंडारण न हो पाने के कारण मजदूरों को मजदूरी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह कि गर्रा ओपन कैंप को दक्षिणी की एक कंपनी ने लीज पर लिया है, जो यहाँ पर 30 मीट्रिक टन की एक और 8 मीट्रिक टन की यूनिट लगा रही है। इतनी बड़ी यूनिट में भविष्य में यहाँ 250 से अधिक मजदूर कार्य करेंगे। वही मिलिंग के लिए धान को बाहर भेजने की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, जिससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में होने वाली परेशानियों का भी समाधान हो सकेगा। लीज पर दिए गए गर्रा ओपन कैंप को संचालित करने के लिए कंपनी एक साल में 12 लाख से अधिक का किराया शासन को देगी। वही सरकार का यह भी दावा है कि कंपनी के 10 साल पूरे होने के बाद शासन भी इस कंपनी में साझेदारी निभाने लगेगी और आधा कार्य कंपनी एवं आधा कार्य शासन करेगा, जिसका फायदा जिले वालों को मिलेगा। गर्रा में लीजिंग के माध्यम से प्लांट में 30 और 8 मेट्रिक टन का प्लांट लग रहा है। मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की गई है। निविदा के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि 2 एजेंसीज को दिया गया है, जिसमें वो अपना प्लांट रिनोवेट करके लगाएंगे। सर, क्या ये सरकारी जगह को जो है जैसा प्राइवेट में दिया जा रहा है, तो इससे क्या लाभ होंगे सरकार को? मिलिंग के उद्देश्य से दिया है कि मिलिंग जो यहाँ पे करानी है उस तरीके से इंजीनियरिंग विभाग से पूरी टेंडर की कार्रवाई हुई है और ये कंस्ट्रक्शन उनके प्लान में है, तो वो अपना प्लांट स्थापित करना चालू करते हैं। सर, इस बार डीएपी देखने में आ रहा है कि गर्रा गोदाम में जो है धान रखे ना जाने से वहाँ के मजदूरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो बेरोजगार हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। वो तो विषय रहेगा, जब वो कहीं किसी भी चीज़ का नए सिरे से कुछ डेवलपमेंट होगा तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें आती हैं, बट अगर प्लांट लगेगा तो सबको वहाँ रोज़गार भी मिलेगा। 38 टन का प्लांट 30 और 8 मिला के, तो वहाँ कुछ डेवलपमेंट्स होंगे तो उन्हीं को रोज़गार मिलेगा वहाँ के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी को भी उसमें कवर करेंगे। गोदाम ना होने की वजह से ये बात अधिकतर सामने आ रही है कि बालाघाट का जो धान जो है वो अतिरिक्त वैप करके जो है परिवहन बाहर किया जा रहा है, जिससे शासन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। नहीं, मिलिंग दृष्टिकोण से जो भोपाल के निर्देश हैं, भोपाल के आदेश हैं, जो ऑर्डर स्टेट से जारी हुआ है कि जो सरप्लस स्टॉक है उसको मिलिंग करने के लिए जहां मिलिंग क्षमता है वहां दिया जा रहा है, तदनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। बहुत परेशानी है रोजी रोटी की। अपने जो 100-150 जो लड़के थे उनकी रोजी रोटी का बहुत संकट आ गई है। अब ऐसा है कि अब नहीं मिलने की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि अभी 8-8, 10-10 दिन काम नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को रोड पे। अच्छा, क्या क्या कहते हैं, क्यों बंद कर दिया गया है ओपन कैप? अब वो तो बोल रहे हैं कि कुछ ना प्लांट या किसी बाहर वालों को प्लांट के लिए लीज पर दे दिया गया है 10 साल के लिए, ये बोला जा रहा है डीएमओ साहब के द्वारा। अच्छा अच्छा, हमने उनसे पूछे थे, हमने बताया कि 10 साल के लिए हमने लीज में दे दिए हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि जैसे अब पहले वहाँ ओपन कैप में धान रखी जाती थी और साल भर वहाँ काम मिलता था लोगों को, अब वहाँ की धान कहाँ रखी जा रही है और किस तरीके से मजदूर वहाँ की धान अभी अपने अपने बालाघाट में स्टार्ट हुआ है तो खापा कुछ जा रहा है, और बाकी तो शुरू स्टार्टिंग से जिले के बाहर जा रही है, छिंदवाड़ा, चौराई,
उधर, और कुछ धाने तो रेक से भी जा रही बाहर। तो ये जो उज्जैन वगैरह, ये जो बाहर डायरेक्ट धान जा रही है, तो इससे शासन को नुकसान भी होता है और हाँ, शासन को भी नुकसान है। उतने दिन परिवहन करने का तो भाड़ा ज़्यादा लगता ही होगा उनको, और फिर वहाँ से अगर वो वापस अगर बालाघाट आ रहा है तो भी ज़्यादा भाड़ा वो लगेगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी लगेगा। बालाघाट में कितने ऐसे ओपन कैप हैं? बालाघाट में ऐसे मिला के दो, छः सात है ना, सात करीब। आप लोग कितने मजदूर वहाँ पर काम करते थे और क्या कुछ परेशानियाँ आप लोगों को भी झेलनी पड़ी? 150 मजदूर थे, अब तो बहुत परेशानी हो गई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना ये होते हैं, उनसे बहुत दिक्कत हो गया। अच्छा, वहाँ किस दर पे मजदूरी मिलती थी? मजदूरी वो ठेकेदार द्वारा मिलती थी, ठेकेदारों जैसे तय हो जाता था, जैसे 2 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये 90 पैसे, उस हिसाब से मजदूरी हमारे को ठेकेदार देता था। अब मिल पाएगी उस हिसाब से? नहीं, अब तो वहाँ काम ही नहीं है, बिना काम किए वो तो मजदूरी कौन देगा सर? नहीं, दूसरे अन्य जगह पर भी जैसे अगर अपन काम नहीं नहीं नहीं, नहीं लोकल में तो नहीं मिलता, लोकलों में तो ऐसा सीमेंट खाली करने गए तो कोई 2 रुपये देता है, कोई 2.25 देगा, कभी 2.5, जैसा उनको मिल जाए वैसा काम करवा लेते हैं लोग, वहाँ पर कोई वो नहीं है। इसके पूर्व में आप लोगों को साल भर काम मिलता था जब चालू था गोडाउन? जी जी जी, साल भर मिलता था। आप लोगों को साल भर काम मिल पाता है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी तो अभी इसी साल बंद हुआ है, तो अभी से बहुत दिक्कत होने लगी, तब साल भर की तो मुश्किल है। इस साल तो काम ही नहीं मिला, इस साल तो एक भी काम नहीं हुआ, इसी साल से बंद हुआ है वो, और अभी से हम लोग भटकना चालू हो गया है, तो बहुत दिक्कत होने लगी अभी से। मध्य प्रदेश के इछावर थाने के तहत एक जनमानस को सहमा देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने महज 10 साल की बच्ची का पहले तो रेप किया, बाद में उसे कुएं में फेंक दिया। हालांकि बच्ची फिर भी कुएं के भीतर मोटर से बंधी रस्सी से आधे घंटे तक लटकी रही। ऐसी घटना से आसपास के परिसर में खलबली मच गई है। बच्ची के दिए गए बयान के अनुसार उसकी साइकिल उस दिन गुम हो गई थी और वो अपने गांव की तरफ पैदल आ रही थी, तभी खेत में काम कर रहे रमेश मोंगिया ने बच्ची को पहले अपने पास बुलाया, बाद में उसे खेत में ले जाकर बच्ची से ज्यादती की और फिर उसे परिसर के ही कुएं में फेंक दिया। हालांकि बच्ची कुएं के भीतर लटकी रस्सी से करीब आधा घंटा लटक कर चिल्लाती रही। वहीं बच्ची को खोजने के लिए उसकी मां परिसर में ढूंढने लगी, तभी पास के कुएं से बच्ची की आवाज उसे सुनाई दी, जिसके बाद मां ने आसपास के लोगों से मदद मांगकर बच्ची को कुएं से बाहर निकाला। जल्द ही बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर पर 8 टाके आए हैं। पुलिस ने आरोपी रमेश पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पाबंदी है, बावजूद इसके कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें कानून की जरा सी भी दहशत नहीं होती। वही ये लोग बिना किसी डर के ढड़ल्ले से मांझे की बिक्री करते हैं। कुछ ऐसी ही घटना एमपी स्थित तोपखाना इलाके में सामने आई है, जहां पर चाइनीज मांझे की ढड़ल्ले से बिक्री हो रही थी, जिस पर संबंधित नगर निगम और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से चाइनीज मांझे की दुकान पर कार्यवाही की गई। हालांकि जिस दुकान पर कार्यवाही की गई उससे जब बातचीत की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हमें टाइम भी नहीं दिया गया, मोहलत भी नहीं दी, ने एकदम मकान तोड़ दिया हमारा। मैंने सब बता दिया था पुलिस को, कहाँ से लाया, कहाँ से लाया, इंदौर का ही पता दिया था, नयन वाला है तेली वाले पर उसका ही पता दिया था। नयन वाले यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं की, वो आया था थाने पे, उनने किसी को फ़ोन लगाया, उसको छोड़ दिया गया और हमारे ऊपर कार्रवाई की गई। शहर में सबसे बड़ा व्यापारी नरेन वाला है, नरेन स्टोर तेली वाड़े पे दुकान है, नरेन स्टोर, और उसके संचालक का नाम है, उसके लड़के वो लड़का जो है उसका नाम है विक्रांत जैन। अपन कितने समय से बेचते चाइनीज? अपन ने तो इस बार अपने ऊपर केस बनाया था, अपन ने बंद कर दी थी। नरेन वाला कितने समय से बेच रहा कुछ जानकारी? वो तो मुझे जब से चलू जब से ही बेच रहा हूँ। अभी तो शहर में वही है जो पकड़ा रहा है वो है, अपन आप कैसे बोल सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, जिसकी दुकान तोड़ी गई उसका कहना है कि उसे इस बात की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। वही जब से प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाई है तब से हम इसे नहीं बेचते हैं। फिर सवाल ये है कि आखिर कार्रवाई की क्यों गई? इसके साथ ही दुकान मालिक मोहम्मद ने कई खुलासे भी किए, जैसे सिर्फ उस पर ही कार्रवाई की गई, दूसरे इलाके में जो संबंधित व्यक्ति से भी बड़ा दुकानदार है उस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो आखिर ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? क्या इसलिए कि मोहम्मद किसी अलग धर्म से है, या बस प्रशासन को कार्रवाई का ढोंग कर अपनी छवि चमकानी है? कुछ भी हो सकता है। वही संबंधित मसले को लेकर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को तैनात करने के लिए पुलिस भी मौजूद थी, जहां उन्होंने संबंधित मसले को लेकर पूरी जानकारी दी। उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार चाइना डोर पर छापामार कार्रवाई की गई है।
पूर्व में भी थाना कोतवाली क्षेत्र में महाकाल, खारकुआ और कोतवाली से चाइना डोर पकड़ी गई थी। इसके अलावा नीलगंगा, माधवनगर क्षेत्र से भी चाइना डोर पकड़ी गई थी। इसको लेके ये अब्दुल वहाब जो कि आरोपी है, इसने चाइना डोर पूर्व बेची थी जिसको हमारे द्वारा जब्त किया गया था। आज नगर निगम द्वारा इसके अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात। जो भी कार्रवाई होगी वो आगे सख्ती से की जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी वो आगे करा दी जाएगी। की मौत के बाद से ही ये निर्णय लिया गया है कि जहाँ भी पकड़ाई थी उनके यहाँ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो पूर्व से ही सख्ती से की जा रही है, इसके अलावा और भी सख्ती से की जाएगी और जहाँ पर भी जो भी चाइना डोर बिकेगा उसको सख्ती से उस पर FIR दर्ज। मैम ये इससे पहले जितने भी जिनके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई किया वो सबके मकान टूट गए? ये डिपेंड करेगा नगर निगम का जो भी मामला है, मसला है, अगर अवैध निर्माण है तो डिपेंड करेगा, जो भी कार्रवाई होगी वो आप कर कराए जाएंगे। पीड़ित और प्रशासन दोनों के बयान में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। हालांकि सच क्या है इसे जानने की सख्त से सख्त जरूरत है और अगर संबंधित मामले पर जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है, जिससे उसका घर छीना गया है, अगर आगे चलकर वो बेकसूर साबित होगा तो क्या प्रशासन उसके घर के नुकसान की भरपाई कर पाएगा, ये एक सवाल है। मध्य प्रदेश से शब्बीर मंसूरी की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज की प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को।